guys, I'm Gayatri and welcome back to the another DIY videos. And in this video I'm going to share the four different unique ideas. And इसमें थोड़े से वेस्ट प्रोडक्ट से भी हम डी आई वाई बनेंगे और जो भी घर पर डी आई वाई जो भी घर पर चीज़ें होती है उसका यूनिक वे में हम डिफरेंट तरीके से एक डी आई वाई बनाएंगे जो कि आपको बहुत पसंद आएंगे आई होप. और ये बहुत ही अच्छे से टर्न आउट हुए हैं. दो सिंपल है और दो बहुत ही यूनिक आइडियाज़ है. आई होप आपको बहुत ही पसंद आएंगे. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप इस तरीके की वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन सो यू विल बी नोटिफाइंग फॉर माई न्यू वीडियोज. और इस तरीके के और नए डी आई वाई आइडियाज़ आपको मिलते रहेंगे तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन. तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला डी आई वाई, उसमें हम बनाएंगे एक टेबल लैम्प और बेड साइड टेबल लैम्प, आज इसे आप यूज़ कर सकते हैं. और उसमें बहुत ही सिंपल, कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स की वगैरह ज़रूरत नहीं है. तो देखते ही वो हम किस तरीके से बना सकते. सो फॉर द फर्स्ट डी आई वाई आई एम टेकिंग दिस कप होल्डर और उसको मैंने स्प्रे पेंट किया है, गोल्डन स्प्रे पेंट. नाउ नेक्स्ट वी रिक्वायर्ड दिस बैम्बू मैट. इसका एक डी आई वाई वॉल डेकोर मैंने ऑलरेडी एक शेयर किया हुआ था. तो ये जो बुकेट्स आते हैं उसमें ये लगा रहता है. आप फ्लोरिस्ट के पास जाएंगे तो आपको ये इस तरीके के बैम्बू मैट मिल जाएगी आसानी से. नाउ विल रोल इट एंड उस जब तक हम टाई करते हैं उसको होल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पर जूट रोप से उसको एक सिंपल नॉट से अटैच कर दिया है. नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ द फ्लावर मेकिंग वायर. दिस इज़ वेरी थिन वायर सो इट्स नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड. तो उसको हम स्टिच करने के लिए यूज़ करेंगे. आप नॉर्मल थ्रेड से भी इसको बाइंड कर सकते हैं. Now next step is very simple. This LED bulb which is chargeable and magnetic as well. So आप कहीं पर भी इसको stick कर सकते हैं like just like this और इसको charging कर सकते हैं. So reusable है, बार बार batteries वगैरह change करने की ज़रूरत नहीं है. और now you have to just slide down the roll we have made out of the bamboo mat and tada, our bedside lamp या फ्लोर लैम्प आपका रेडी हो गया है. तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड यूनिक आइडिया आई केम अक्रॉस. एंड दिस इज़ हाउ यू कैन पुट ऑन एंड ऑफ ऑफ द बल्ब. द सेकेंड डी आई वाई इज दिस. तो ये ब्यूटीफुल सा वॉल डेकोर हमने बनाया है जो कि टीला कैंडल होल्डर से बनाया है. और एक आइडिया इसमें बताऊंगी कि वो किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं. तो चलिए वो देखते हैं कि हम ये किस तरीके से हमने बनाया है. तो हमारे पास बहुत सारे टीलाइट कैंडल होल्डर्स रहते हैं और बहुत ही खूबसूरत भी रहते हैं. तो उनका सिर्फ कैंडल होल्डर करने के लिए अलावा भी हम कुछ और भी कर सकते हैं. नाउ इन दिस डी आई वाई आई एम गोइंग टू मेक द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डी आई वाईज फ्रॉम द टी लाइट कैंडल होल्डर. वन इज़ वॉल डेकोर एंड सेकेंड वन इज़ अ वेरी वॉल डेकोर विथ सम यूनिक यूजफुल आइडिया. सो सबसे पहले मैंने क्या किया है, टी सॉसर लिया है, पेंट किया है मैं चॉक पेंट से. और यहाँ पर जो गोल्डन राउंड शेप के जो टी लाइट कैंडल होल्डर है उनको मैंने स्टिक कर दिया है बीच में. स्टिक करने के लिए आई हैव यूज्ड दिस फेवी बॉन्ड. नाउ जस्ट एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ डिटेलिंग यूजिंग द गोल्ड कलर. दिस इज द फेविक्रिल गोल्ड डस्ट कलर एंड इसको मैंने मीडियम में मिक्स करके लगा लिया है. यहाँ पर थोड़ा सा लटकन ऐड कर दिया है. और इसको हैंग करने के लिए हम एक अरेंजमेंट बनाएंगे. एक वायर लिया है और उसको एमसील से हम इस तरीके से बैक साइड में स्टिक कर देंगे और उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे तो इजी टू हैंग हो जाएगा. तो कुछ इस तरीके से हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं. कोई भी बता भी नहीं सकेगा कि ये टी लाइट कैंडल होल्डर्स है और पीछे उसके लगा है वो एक सॉसर है. ब्यूटिफुली. नाउ सेकेंड टाइप जिसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ हैंगर.
यहाँ पर मैंने जो ट्रायंगल शेप के होल्डर्स है उनके बीच में यहाँ पर जो स्टिक ऑन वाले हुक्स रहते हैं उसको मैंने स्टिक कर दिया है। सबसे पहले उसको गोल्डन स्प्रे पेंट कर दिया और कुछ इस तरीके से हम इसको हैंग कर देंगे। हैंग करने के लिए भी पीछे मैंने उसको वे में हैंग करने के लिए पीछे एक अरेंजमेंट बनाया है, वायर लेके उसको एमसील से स्टिक कर दिया है। अब इसको आप एज अ की होल्डर, बैग होल्डर, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। दिखने में भी बहुत खूबसूरत दिखता है। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड डीआईवाई व्हिच इज वेरी ब्यूटीफुल, और आपने भी ये देखा होगा बहुत जगह पे, तो दिस इज द हैंगिंग प्लांटर। तो ये एक्चुअली बॉटल से बनाया हुआ है और इसको आप प्लांट्स को प्रोपोगेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट इज आप इसे वर्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से हैंग करके इसमें पानी भर के आप यहाँ पर भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ये किस तरीके से बनाना है हम आज देखते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है दो बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स है, तो इसको एक को हम हाफ से थोड़ा कम में कट कर लेंगे जिसका बॉटम पार्ट हमें लगेगा, और दूसरे को इस तरीके से बीच में कट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से एक को कट करेंगे और दूसरे को हम बॉटम पार्ट लेंगे। अब जो बीच में कट किया हुआ है ना उसको हम कैप टाइटली क्लोज कर देंगे और जो दूसरे वाली बॉटल का बॉटम पार्ट था उसको हम स्टिक कर देंगे कैप के ऊपर इस तरीके से ना, वो कंप्लीट सिलिंड्रिकल शेप हो जाएगा जिसमें बीच में गैप होगा वहाँ पर हम प्लांट्स लगा सकते हैं ना। उसको डेकोरेट करेंगे, उसके लिए मैंने ये बैम्बू स्टिक्स यूज़ की है। एक एक स्टिक करने से अच्छा है उनको मास्किंग टेप से एक साथ जोड़ देना और इसके बाद डायरेक्टली ये मैट हम इस तरीके से स्टिक कर देंगे बॉटल के ऊपर। तो यहाँ पर स्टिक करने के लिए मैं हॉट ग्लू गन का इस्तेमाल कर रही हूँ। Now we'll remove the masking tape. अब यहाँ पर मैंने कॉटन रोप लिया है और बोथ साइड से मैं उसको कवर कर लूँगी ताकि जो ग्रीन बॉटल पार्ट है वो ना दिखे। तो ये DIY मैंने इंस्टाग्राम पे ऊपर देखा था और वहाँ पर उन्होंने वुडन जो नेचुरल ब्रांच स्टिक्स रहती है तो वो यूज़ की थी और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। तो आई सेड लेट्स ट्राई दिस DIY और इट टर्न आउट वेरी गुड। और इसको अब हैंग करने के लिए मैंने उसी रोप को लूप बना के इस तरीके से स्टिक कर दिया। अब दूसरे साइड पर भी सेम लूप बनाया। अब हमारा ये हैंगिंग प्लांट रेडी हो चुका है। अब आपको इसमें सिर्फ वाटर भर देना है और कुछ कटिंग्स जो हम प्रोपोगेट करना चाहते हैं इसको इस तरीके से लगाना है और कर्टन रॉड के ऊपर एस हुक्स की हेल्प से आप इसे हैंग कर सकते हैं। तो ये बालकनी में या कहीं पर भी आप इसे हैंग कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू अवर लास्ट DIY ऑफ दिस वीडियो, तो मैंने ये वास बनाया है। क्या आप गेस कर सकते हैं ये किससे बनाया है? तो ये वाज मैंने बनाया है और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। इसमें मैंने बेबीज़ भी ये फ्लावर्स मैंने इसमें डाल के रखे हैं और एलिगेंट दिख रहा है। बहुत ही ऐसे गौड़ी गौड़ी सा नहीं है, बहुत ही खूबसूरत एलिगेंट इसका मैंने डिज़ाइन बनाया है। तो चलिए ये किस तरीके से बनाते हैं वो भी आज देख लेते हैं। उसके लिए यहाँ मैंने टेट्रा पैक का जो पैक था मेरे पास तो उसका यूज़ किया है। इसका हम बनाएंगे वास बनाएंगे, उसके लिए मैंने उसके ऊपर का लिड कट कर दिया। अब हॉट ग्लू गन की हेल्प से हम यहाँ पर उसके ऊपर कुछ पैटर्न्स बनाएंगे। तो जैसा स्ट्रेट लाइंस मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिए। अब इसको मैंने स्प्रे पेंट किया लेकिन स्प्रे पेंट से उतना वो कवर नहीं हो पाया, तो उसके बाद फाइनल कोट मैंने दिया है एक्रेलिक वाइट एक्रेलिक पेंट से, तो ये लगभग कुछ हद तक पूरा वाइट दिखने लगा। अब इसको हम गोल्डन एक्रेलिक कलर से जो ऊपर हमने हॉट ग्लू गन से डिज़ाइन बनाया था उसको हाईलाइट करेंगे और लास्टली बॉटम में मैंने कुछ सर्कल्स ड्रॉ कर दिए हैं गोल्डन कलर से। और ये सिंपल सा वास रेडी है, इसमें आप ड्राइड फ्लावर्स या फ्रेश फ्लावर्स लगा सकते हैं। टेट्रा पैक है तो इसमें आप वाटर भर के भी रियल फ्लावर्स लगा सकते हैं।
और ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा, बहुत ही सिंपल। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा देन प्लीज गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। एंड कौन सा डीआईवाई बहुत अच्छा लगा और आप जरूर ट्राई करेंगे, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर इन केस ट्राई करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप वो जरूर चेक कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, प्लीज मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन, तो आपको मेरे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एज पर यूट्यूब एनालिटिक्स आप देख सकते हैं कितने परसेंट लोगों मेरे चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा, तो उससे मोटिवेशन मिलेगा मुझे और वीडियोस बनाने के लिए और अच्छे से वीडियोस बनाने के लिए। फिर मिलते हैं कुछ नए डीआईवाई के साथ एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।